हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको एक और नए फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। ये जो बनाना केला हम खा के इसके छिलके हम फेंक देते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बनाना को अगर हम सुखा के पाउडर बना देते हैं, उस शक्ल में भी अगर हम डालते हैं प्लांट्स पे, तो वो भी बेस्ट है। अगर हम वैसे ही छिलका दबा देते हैं मिट्टी में, तब भी प्लांट्स को फर्टिलाइज़र पहुंचता है। अगर ये हमारी प्लांट्स में गमले में अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा पूरी हो जाती है और हम पानी की जगह इसको बनाना पील के पानी को देते हैं, तो वो भी बेस्ट है। कई तरीक़ों से हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। जो ये बनाना है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, NPK बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। हमारे जब प्लांट्स पे फूल नहीं लगते या फल नहीं आता या फूल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, किसी भी सूरत में अगर हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, ख़ासकर ये बनाना पील का, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट होता है। अगर आप, ये मेरे पास कांच की बरनी है, अगर आप कांच की बरनी में बनाएं तो बेस्ट है, अगर मिट्टी के घड़े में बनाएं तब भी बेस्ट है, अगर आप प्लास्टिक में लें तो उससे भी अच्छा इसका रिज़ल्ट निकलता है। आप ये 3 या 4 बनाना के छिलके लें और इसको आप इसमें भरकर रख दें, और इसको आप तकरीबन 24 घंटे या 48 घंटे के लिए रख देंगे, तो आप देखेंगे कि इसका पानी बिल्कुल ब्लैकिश सा हो गया है। और ब्लैकिश पानी को आप किसी प्रकार से, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा, मेरी एक अपनी वीडियो भी बनी हुई है बनाना पर, और मेरे सब व्यूवर्स ने उसको बहुत अच्छी सराहा है और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा उसको बताया हुआ है व्यूवर्स को, तो वो आप मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करें। इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए DAP NPK जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे प्लांट्स के फूल और फल के लिए, वो इसमें सब कुछ मिलेगा। आप इसे ज़रूर बनाएं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप अगर 48 घंटे के लिए या इससे भी ज़्यादा आप रख देते हैं और इसका आप पानी इस प्रकार से किसी बर्तन में निकाल लेंगे तो, और इसमें और पानी डाल देंगे, तो वो भी हमारा एक फर्टिलाइज़र का काम करेगा, खाद का काम करेगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी ऑलरेडी बिल्कुल ब्लैक कलर की ये बनी हुई है इस प्रकार से। इसको मैं इसमें निकाल लूँगी, ये बिल्कुल एक कॉफ़ी या चाय की तरह बनी हुई है। आप पत्तों पे इसका छिड़काव कम ही करें। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। अगर आप जब आप शाम के समय इसको पानी देते हैं प्लांट्स को, उसमें अगर आप एक मग्गा सारे पानी में मिक्स कर लेते हैं, तब भी बहुत अच्छा हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र मिलेगा, खाद मिलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टी को, बनाना टी को किस प्रकार से हम अपने प्लांट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जो फूल वाले फल वाले प्लांट हैं, जैसे हमारा टमाटर, शिमला मिर्च, कोई भी प्लांट है, ये मेरा ड्रम स्टिक है, सहजन का प्लांट है, और गुलदाउदी है, और मैक्सन पटूनिया है, अगर आप सभी में, मेरे हिसाब से अब अगर आप इसमें सभी में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट गमले में भी बहुत अच्छा निकलता है। आप इस प्रकार से इसको अप्लाई कर दें, इस प्रकार आप सभी प्लांट्स में, फूल वाले प्लांट हैं, फल वाले हैं, आप सभी में इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि हमारे फल और फूल हमें बहुत अच्छी खुशी दें और हम अपने प्लांट गमलों में अच्छी तरह इसकी फूलों की रौनक देख सकें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे से आगे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।